गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्केलेटन सिस्टम. सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज शो आई एम शोइंग दैट इज स्केलेटन. ओके, एंड इन द स्केलेटन सिस्टम आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट. सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट आर 206. वी विल काउंट एंड आई विल टेल यू वन बाय वन. सो लेट्स वी विल सी हियर. सो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम का, आई टोल्ड यू स्केलेटन सिस्टम में टोटल जो नंबर ऑफ बोन्स होती है इन ए अडल्ट पर्सन कितनी होती है, 206 बोन्स. नाउ यू विल सी स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पे गर्दन की ये जो यहाँ पे एक बोन होती है, यहां से लेके पूरा टोटल इस पोर्शन में 29 होती है. टोटल बोन्स आर 29. सो 8 बोन्स आर प्रेजेंट इन दैट इज इन द ब्रेन विच प्रोटेक्ट अवर ब्रेन. 14 bones are present in our face. 14 bones are present in our face. 3 bones are present in this side ear and 3 bones are present in this side ear. And 1 bone that is present in our neck. So neck bone is called, that is hyoid bone. क्या बोलते हैं उसको? Hyoid bone. Actual में इससे पहले एक और चीज बता देती हूँ स्टूडेंट आपको, कि जो skeleton system है it is divided into 2 parts. स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट. सो टू पार्ट में सबसे पहले एक होता है स्केलेटन सिस्टम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. एक्सियल सिस्टम में क्या होगा, वन दिस आवर हेड पोर्शन एंड अदर इज द बैकबोन पार्ट. बैकबोन पार्ट दिस इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. सेकेंड इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में क्या आएगा, बोथ द दिस हैंड्स एट दिस रिब केज एंड दिस बोन्स, द बोन्स ऑफ अवर दैट इज कॉल्ड पेल्विक बोन्स, पेल्विक गर्डल बोन्स. ओके, एंड बोथ द लेग्स बोन्स. सो ये पोर्शन आप इस पोर्शन को बीच में से निकाल दो, बाकी जो लेफ्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर एक्सियल, व्हाट वी कॉल दैट वन, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. एंड दिस वन, ये और बैकबोन मिला के बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो ब्रेन के अंदर होती है दैट इज 8 बोन्स. स्किन जो फेस में होती है दैट इज टोटल नंबर ऑफ 14 बोन्स. 3 बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर दिस साइड एंड दिस साइड, टोटल 6 बोन्स इन अवर ईयर. नाउ स्टूडेंट्स, ईयर के मिडल पार्ट में ये बोन्स होती है 3 बोन्स विच आई टोल्ड. तो इसमें सबसे जो छोटी बोन्स होती है दैट बोन इज कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोन, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोन्स कॉल्ड, दैट इज स्टेप्स. सो स्मॉलेस्ट बोन्स कहां प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर के अंदर. नाउ यू विल सी, सो नेक के अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड हायर्ड बोन. सो नेक हमारी स्पाइनल कोर्ड से अटैच होके ये पूरा गर्दन हमारा ये एरिया अटैच हो गया. नाउ टोटल नंबर ऑफ बोन्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू. सो टोटल 29 यहाँ पे हो चुकी है हमारी. अब आ जाओ बेटा, नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड रिब केज. टूगेदर वी कॉल्ड इट रिब केज. सो रिब केज के अंदर दीज आर कॉल्ड रिब्स एंड टूगेदर दिस एक पूरा क्या केज सा बना लेते, इसको हम बोलते हैं रिब केज. इट प्रोटेक्ट अवर ऑर्गेन्स विच आर प्रेजेंट हेयर लाइक हर्ट, यू कैन से लंग्स, ऑल दिस वन. देन सो टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन दिस साइड एंड दिस साइड टोटल आर बेटा 24. 12 दिस साइड रिब्स एंड 12 दिस साइड रिब्स. नाउ दिस इज कॉल्ड स्टर्नम. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस बोन स्टर्नम. सो 12 और 12, 24 एंड 1 दिस बोन, 25. नाउ सी दिस इज कॉल्ड बैक बोन्स. बैक बोन इज नॉट ए सिंगल बोन. कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं बैक बोन क्या एक सिंगल बोन है, बट एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल बोन्स, उनको हम बोलते हैं वर्टीब्रे. सो टोटल नंबर ऑफ वर्टीब्रे इन अडल्ट इज 26, बट इन अ यंग बेबी इट इज 33. इट इज 33. आई एम एक्सप्लेनिंग. सो इट इज 33 इन ए बेबी एंड 26 इन ए अडल्ट पर्सन. सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस वन. बैक बोन्स कितनी होती है, 26 इन अडल्ट एंड 33 इन द, यू कैन से इन ए बेबी. सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स, दिस इज अ बैक बोन, बट बैक बोन इज नॉट ए सिंगल बोन, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल बोन्स. दिस स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टीब्रे. Now you will see this is our hand beta. So right hand and left hand both are these hands. So I will show you these bones, number of bones present in one hand.
सो एक हैंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती है दैट इज 30. सो एक के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 30 बोन्स. सो वन बोन इज हेयर, टू बोन्स आर हेयर, एंड हेयर टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 27. सो दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस, दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस. दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस. दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस. सो हेयर बोन प्रेजेंट इज, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड, यू कैन से स्टूडेंट, दिस बोन हेयर, दीज आर कॉल्ड, दीज आर नंबर ऑफ बोन्स आर 27. सो टोटल आर 30. सो 30 बोन्स आर प्रेजेंट इन दिस हैंड एंड 30 बोन्स आर प्रेजेंट इन दैट हैंड. तो टोटल हैंड्स के अंदर बोथ द हैंड्स, दोनों हाथ में कितनी बोन्स हो गए बेटा टोटल? 60 बोन्स. नाउ यू विल सी, दिस इज कॉल्ड शोल्डर बोन. ठीक है, हमारे कंधे में होता है ना, तो यहाँ पे जो ये होती है, देखो यहाँ पे शो. सो ये जो बोन होती है दिस इज कॉल्ड शोल्डर बोन. ओके, और ये बोन हमारे यहाँ पे भी अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन. अंडरस्टूड? दिस इज कॉलर बोन एंड शोल्डर बोन हियर. सो ये टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है स्टूडेंट्स? 4. टू दिस साइड एंड टू दिस साइड. सी, सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर टोटल बोन्स आर 4. दिस इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल. क्या बोलते हैं इसको हम? पेक्टोरल गर्डल. सो टू दिस साइड एंड टू दिस साइड, ये कॉलर बोन आ गए ना, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं. ओके, सो टू बोन्स आर दिस साइड एंड टू बोन्स आर दिस साइड. सो 4 बोन्स आर प्रेजेंट इन अवर शोल्डर. सो इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल. नाउ यू विल सी स्टूडेंट हियर, दीस बोन्स टूगेदर, इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वट इज दिस बोन्स कॉल्ड? पेल्विक गर्डल. क्या बोलते हैं इसको हम? पेल्विक गर्डल. सो वन बोन इज हेयर एंड वन बोन इज हेयर. सो पेल्विक गर्डल जिसको हम बोलते हैं हिप्स बोन्स. ओके, सो इनको इकट्ठा बोल देते हैं पेल्विक गर्डल. एंड नाउ द बोन्स आर प्रेजेंट हेयर आर 2 बोन्स. नाउ कम टू अवर लेग एरिया. लेग्स में देखो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हेयर ऑल्सो 30. कितनी है टोटल बोन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स? 30. दीज आर ऑल्सो नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट हेयर टोटल इज 30. सो 30 इन दिस लेग एंड 30 इन द लेफ्ट लेग. नाउ वन बोन इज हेयर, वन इज हेयर 2, 3, 4. सो इट मीन्स हेयर आर 26 बोन्स, बट हेयर आर 27. ये 26. सो दिस बोन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फीमर, दिस इज टीबिया एंड वट इज कॉल्ड दिस वन? टीबिया एंड फेबुला. फीमर, टीबिया एंड फेबुला. सो टीबिया एंड फेबुला. नाउ दिस इज बोन इज कॉल्ड पटेला. क्या बोलते हैं इसको हम? दिस इज कॉल्ड पटेला, जो हमारे नी के अंदर प्रेजेंट होती है. इट इज प्रेजेंट इन अवर नी. सो फीमरस, फीमर, दिस फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट इन अवर थाई. ये कहाँ प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स? हमारी थाई के अंदर, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है. सबसे छोटी बोन्स कहाँ प्रेजेंट है? इन अवर ईयर. सो इन अवर ईयर स्मॉलेस्ट बोन इज प्रेजेंट, इन अवर थाई लॉन्गेस्ट बोन इज प्रेजेंट. अंडरस्टूड? एंड दिस इज कॉल्ड फीमर, टीबिया, फिबुला, एंड दीज आर द टोटल नंबर ऑफ हेयर. यहाँ पर 26 बोन्स प्रेजेंट होती है. नाउ अंडरस्टूड? सो आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, यहाँ पे टोटल 29, हेयर 25, ये 26 फॉर अडल्ट, 33 फॉर यंग बेबी. हेयर आर द टू बोन्स, हेयर आर 30, दिस साइड 30, दिस साइड 30, दिस साइड ऑल्सो 30. अंडरस्टूड? दीज आर द टोटल नंबर ऑफ बोन्स. नाउ स्टूडेंट्स, वट इज जॉइंट? आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर. ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है पूरा, स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती है. ओके, 206 बोन्स होती है अगर स्केलेटन सिस्टम. सो बोन्स का जो ये फ्रेमवर्क दिख रहा है ना आपका, बोन्स का ये जो पूरा फ्रेमवर्क दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम. व्हाट वी कॉल दिस वन? स्केलेटन सिस्टम. अब इसके अंदर अलग अलग जगह पे जॉइंट्स होते हैं. इफ आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम दिस साइड, अगर मैं इस जगह से मूव करना चाहती हूँ, क्या मैं यहाँ से बेंड कर सकती हूँ? इफ आई वॉन्ट टू मूव दिस हैंड, यहां से अगर ये हाथ को मैं मोड़ना चाहूंगी, नहीं मुड़ेगा, बट यहां से ये हैंड बेंड हो रहा है. इट मीन्स वट? इट मीन्स हेयर द जॉइंट इज प्रेजेंट. नाउ यू विल सी द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, दैट इज कॉल्ड जॉइंट. वेयर टू और मोर बोन्स मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट. नाउ स्टूडेंट्स, यू विल सी
जहां पे भी ज्वाइंट होता है दोनों बोन्स के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड कार्टिलेज। तो इन दोनों बोन्स के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। ठीक है, अब ये दोनों बोन्स के बीच में अगर कार्टिलेज होगा तो ये दोनों बोन्स आपस में टकराएगी नहीं, दोनों बोन्स क्या आपस में टकराएगी नहीं और इनका स्मूथ मूवमेंट होगा, द बोन्स विल मूव स्मूथली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, और उस कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, दोनों बोन्स कवर होती है एक सॉफ्ट टिश्यू से जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। अच्छा, बोन्स और बोन्स के ऊपर क्या होती है स्टूडेंट्स, मसल्स होती है। ओनली मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ अवर बोन्स, हमारे बोन्स के मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मसल्स। सो ये मसल्स जो होती है ना बेटा, मसल्स और ये क्या है बोन्स, इन दोनों के बीच में क्या होता है, बोन्स एंड मसल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड टेंडन्स। तो मसल्स बोन्स के साथ चिपकी हुई है, कैसे चिपकी हुई है, दैट इज बिटवीन बोन्स और मसल्स के बीच में क्या है, टेंडन्स। बोन्स और मसल्स के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, टेंडन्स। नाउ वी विल सी अबाउट द जॉइंट, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ स्टूडेंट जॉइंट, तो यहां जो जॉइंट प्रेजेंट होता है दैट जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहां पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और यू कैन सी हेयर ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपके हिप्स और शोल्डर में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये ऐसा जॉइंट है स्टूडेंट जहां पे इस जॉइंट से हैंड और लेग्स कैन मूव, जहां पे भी जॉइंट प्रेजेंट होगा इट मीन्स मूवमेंट इज ऑल द एवरी डायरेक्शन, मूवमेंट इज इन द ऑल डायरेक्शन, दैट हैंड और लेग्स विल मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन। ऐसा तो नहीं कि आगे पीछे जाएगा या ऊपर नीचे जाएगा, मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन। सो इसमें बॉल एंड सॉकेट में देखो, वन बोन क्या होती है राउंडेड शेप, और अदर बोन कैसी होती है स्टूडेंट, होलो। ये दिख रही है ना आपको, होलो सी खोखली सी। सो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, देन इट विल मूव इन द ऑल डायरेक्शन लाइक दिस वन, एक होलो हो गई और दूसरा क्या हो गया उसके अंदर राउंडेड शेप, एंड इट विल मूव इन ऑल डायरेक्शन। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज दैट जॉइंट वेयर इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। नाउ यू विल सी दिस इज स्टूडेंट व्हाट, फिंगर्स, फिंगर, नी या एल्बो, कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। सी दिस इज फिंगर्स, सो इन फिंगर्स में स्टूडेंट ये देखो यहां से मूव कर रहा है, बट इट अलाउज मूवमेंट इज ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज टू एंड फोर। सो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, आगे और पीछे, टू एंड फोर्थ। सो यहां पे जो जॉइंट होता है जिसे उसे हम क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट। व्हाट इज कॉल्ड दिस वन, हिंग जॉइंट। नाउ सेम हियर, यहां पे भी दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, हियर आल्सो दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, कैन इट मूव इन फ्रॉम हियर, बैक साइड मूव हो सकता है, नो ना। सो हियर दिस इज कॉल्ड हिंग जॉइंट, एंड सेम इन द नी, नी के अंदर भी, एल्बो में, फिंगर में, कौन सा जॉइंट होता है, दैट जॉइंट इज कॉल्ड हिंग जॉइंट। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, तो हिंग जॉइंट में कैसे मूवमेंट हो सकता है, लाइक बैक एंड फोर्थ, जैसे डोर का, डोर में होता है। नाउ यू विल सी हियर, हमारी जो नेक जिस बोन्स के साथ होती है अटैच, तो ये कैसे मूवमेंट होती है बेटा, नेक, हमारी नेक कैसे मूवमेंट हो सकती है, देखो हाउ द नेक विल मूव, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हमारी गर्दन कैसे मूव हो सकती है, ये देखो, सी एन अप डाउन राइट लेफ्ट, बट क्या ये रोटेट हो सकती है पूरी, नॉन है, नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से फिर रोटेट होना पड़ेगा। इट मीन्स हेयर इन द नेक द जॉइंट इज कॉल्ड, व्हाट इज द जॉइंट, पाइवेटल जॉइंट। सो दिस जॉइंट इज कॉल्ड पाइवेटल जॉइंट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ओके। सो ऑल विल बी इन द प्रॉपर डायरेक्शन आई थिंक, सो आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया बेटा व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आस्क, ओके। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द जॉइंट्स, सो इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट यू हैव सीन, दैट यू हैव सीन द दिस स्केलेटन सिस्टम। सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द स्केलेटन सिस्टम, सो इट इज क्लियर टू ऑल। Yes, ma'am. Okay, friends. Thank you.